यो गाइस एंड वेलकम बैक। अगर तुमने अभी तक द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम बजक नहीं पढ़ी है तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत मतलब छोटे हल्के फुल्के स्पॉयलर्स देने वाला हूँ, जिनसे कोई भी स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तुमसे को कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत हल्का सा स्पॉइल करने वाला हूँ। तो अगर बजक नहीं देखा है तो तुम लोग इस वीडियो को देखो, मैं तुम सबको बताऊंगा कि तुम्हें क्यों देखनी चाहिए और क्यों तुमको पसंद आएगी बजर्क, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट। अगर तुम रोम कॉम एनिमे देख चुके हो या फिर नॉर्मल एनिमे देख चुके हो भाई, तुम अब तुम्हें जरूर डार्क एनिमे देखने का मन हो रहा होगा। तुम्हें मन कर रहा होगा कि थोड़ा सा डार्क कुछ देखे, डार्क कुछ चीजें देखने को मिल जाए। तो बजर्क जो है ना बहुत ज्यादा डार्क मांगा है, तो तुम्हें डायरेक्ट मांगा ही पढ़ने को बोलूंगा। एनिमे से अच्छा उसका मांगा है, तो डायरेक्ट मांगा पढ़ना और तुमको बहुत ज्यादा डार्क फीलिंग मिलेंगी। और एक वार्निंग भी मैं देना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों को डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि भाई जो हमारा गट्स है, जो गट्स मतलब बजर का मेन कैरेक्टर है, उसको देख कर तुम्हें जरूर डिप्रेशन आएगा, उसके ऊपर दया आ जाएगी कि भाई जो गट्स बनना है ना उसको थोड़ी देर के लिए हंसने का क्या मौका मिलता है, उसके थोड़ी देर बाद ही उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। आई मीन एक के बाद एक प्रॉब्लम आ जाता है, बस उसको थोड़ी देर के लिए खुश देखो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो तुम्हें कहीं ना कहीं बजर देखे तुम्हें डिप्रेशन भी फील आएगा, पर ऑल ओवर ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मांगा है। और मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा बजर्क है उसका एंडिंग अच्छा हो, क्योंकि अभी जो बजर्क राइटर है वो मर चुके हैं 2021 में जितना मेरे को याद है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है। और मांग अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से गट्स को अभी तक हैप्पी एंडिंग नहीं मिली है। मैं चाहता हूँ कि वो ग्रिफिट को हराए और उसके साथ वो कास्का को ठीक करे और फिर कास्का के साथ एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जिए और बाप भी बन जाए। तो मैं गट्स की हैप्पी एंडिंग चाहता हूँ, वो बाप बने, अच्छा बाप बने, मैं ये चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं तुमको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि तुम सबको क्यों देखनी चाहिए, मैं तुम्हें एक आखिरी रीज़न बताता हूँ। अब देखो, हो सकता है तुम्हें बहुत सारा पेन मिला हो एंड तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो कि मैं अब और पेन संभाल नहीं सकता, मुझे हार माननी चाहिए। तो तुम जब बजर्क पढ़ोगे तो मैं जब गट्स को देखोगे भाई, गट्स को एक के बाद एक के बाद एक पेन मिलता रहता है, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, तो तुम्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इतने पेन से मैं नहीं हारने वाला, मैं भी आगे बनने वाला। तो तुमको ये देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो तुम इसीलिए भी बजर्क देख सकते हो। बाकी तुम सबके ऊपर है, लेकिन बजर्क देखते हो या फिर नहीं, तो ठीक है यार, वीडियो यहीं तक था, तो बाय।